अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। हैदराबाद का आज का एक टूर है और यह हैदराबाद जिससे मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूं कि अपने कैरियर का पहला इंटरव्यू दे रहा था मैं। मुझसे मेरे सब्जेक्ट से मुतालिक रिलेवेंट क्वेश्चंस किए गए जिनके मैंने बहमतुल्ला अच्छे जवाब दिए और मैं बहुत कम्फर्टेबल पोजिशन में था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर अचानक एक सवाल ये मुझसे किया गया जिसका कोई ताल्लुक नहीं था उस इंटरव्यू से कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है। मेरा जवाब ही था हैदराबाद। उन्हीं का आप जाइए। तो ये था मेरा पहला इंटरव्यू। अच्छा, आज हम हैदराबाद के लिए एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं उस शहर को जिस शहर में मैंने जन्म लिया, जिस शहर की गलियों में मैंने खेला हूँ, तालीम हासिल की है। उस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं एक बहुत अच्छी टीम के साथ और मेरी इस टीम में शामिल हैं मिस जहरा शलवानी। अस्सलाम वालेकुम जहरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हैदराबाद के लिए तैयारी कर ली है आपने? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ आज। अच्छा, कुछ बताएंगी आप के क्या क्या सोचा है आपने? मैंने ये सोचा है कि सारी पुरानी इमारतें देखनी है जो कि प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन में हम देख सकें एक फ़र्क जो आया है हैदराबाद का। हम देखें कि हैदराबाद ओवर द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है। हम देखें कि इमारतों का अभी करंट सूरत हाल क्या है और हुकूमत सिंध के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने क्या इकदाम लिए हैं उनको कंज़र्व करने के लिए, और ये कि एक हम आहंगी हो हैदराबाद के कल्चर से, सकाफत से। तो बस आज इसी को एक्सप्लोर करने हम निकले हैं। अच्छा ज़रा आप अपने पहले कुछ बताइए कि क्या कर रही हैं, क्या करती रही हैं, आपकी ये तालीम क्या है, एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की, ये कुछ ज़रा बताइएगा। ज़रूर, मैंने पाकिस्तान में ज़ैबिस से पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन एक फुली फंडेड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर निकल गई थी लंदन। वहाँ पर मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया है। अभी फ़िलवक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हूँ और साथ साथ मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई है दास्तान टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसका मकसद ये है कि सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में सर्दियों के मौसमों में हम जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें और इसे सस्टेनेबल बना सकें ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा हो, हमारी कम्युनिटीज़ का फ़ायदा हो और सबके लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हो। स्कीम में एक हमारे तीसरे एक साथी और हैं जो एक सैलानी तबीयत के मालिक हैं और इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से है, फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम सफदर भाई, कैसे मिजाज जी? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है माशाल्लाह, लग भी ज़बरदस्त रहे हैं। अच्छा, क्या इरादे हैं आज के? आज के इरादे हैं कि कुछ वो देखा जाए जो हम भूल चुके हैं, पुरानी बिल्डिंग आर्किटेक्चर और कुछ कल्चर से वाबस्ता चीज़ें जिसमें खाने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और हैदराबाद को एक नई नज़र से देखा जाए। चलें मूव करें। बिल्कुल सदर भाई, मैं अपने आप को वन ऑफ द लकी लोगों में तसव्वुर करता हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। मैं जॉब एक करता हूँ एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त कौमी इदारे में, जहाँ काम करना एक मैं कहता हूँ सआदत की बात है कि आप मुल्क के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं उनमें कुछ काम कर रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता हूँ कम्युनिकेशन की, ह्यूमन राइट्स की, एक लाइफ कोच की हैसियत से मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में मदद करता हूँ। मैं 1-to-1 भी कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ने ये मौका दिया, ऐसे उस्ताद दिए बाहर और पाकिस्तान में ये पढ़ने का मौका दिया कि मैं अब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं सफ़र करता हूँ, आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं खाने जो है बहुत सारे इंजॉय करता हूँ पाकिस्तान जैसे डाइवर्स कंट्री में, जहाँ जोग्राफिया, खाने, कल्चर, रिवाज, तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। यह है हैदराबाद शहर का एंट्री पॉइंट और इसको कहते हैं कासिम चौक। मेरे ये बाएं हाथ पे जो रोड जा रही है ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों को टच कर रही है। सामने हमारे ये कैंटोनमेंट का इलाका है। आज हम बैठे हैं
यहाँ पे सौगात शीरीन रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए हमें ज्वाइन किया रईस अख्तर साहब ने। रईस अख्तर ट्रैवलर, राइटर, कल्चरल एक्टिविस्ट, और आज रईस अख्तर साहब हमें दिखाएंगे हैदराबाद को कल्चरल, आर्किटेक्चरल, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रईस अख्तर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हैदराबाद का एक नाश्ता, और ये वही रिवायती सा नाश्ता, हलवा, पूरी, और इससे हम ये नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम सफ़र का आगाज करेंगे। हैदराबाद शहर में हमारे मेज़बान हैं जनाब रईस साहब, और रईस साहब ने हैदराबाद की गलियों कूचों को, शहर के विरसे को बहुत करीब से देखा है, बड़ी स्टडी की है। तो हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि हमको हैदराबाद के मुतालिक बताइए, वो हैदराबाद जो हकीकी हैदराबाद है, जिसकी शक्ल वो क्या बहुत तब्दील हो चुकी है। तो ये इन्हें हमको टाइम दिया है। आज हम हैदराबाद की हुसैनाबाद गिद्दू चौक पर खड़े हैं। गिद्दू चौक के सामने बिल्कुल आखिर में जाके हुसैनाबाद में दरिया सिंह से ये सड़क टकराती है, ख़त्म होती है। इस तरफ कोटरी का ब्रिज है, इस तरफ बदीन मिर्पू खास लतीफाबाद जाने वाला रास्ता है, तो पड़ा गया। और ये सामने मेरे पीछे है, ये सड़क रेलवे ट्रैक के बाद ठंडी सड़क कहलाती है। ये सीधा हैदराबाद फोर्ट जा, जब सड़कें नहीं थी तालपुर दौर में, हैदराबाद किले से लेके हुसैनाबाद जो गिद्दू बंदर कहलाती थी, छोटी बंदर का दरिया पर, उससे ही नकलो हरकत के ज़राए जो थे, सब दरिया था, कश्तियों के ज़रिए, छोटे जहाज़ों के ज़रिए मुल्तान तक, फिर यहाँ से झिर खट्टा का समंदर, वहाँ से गुजरात कराची तक, इस इलाके के लोगों की नकलो हरकत वाया दरिया और समंदर। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसी सड़क से चल के अंग्रेज़ चार्ल्स नेपियर हैदराबाद फोर्ट तक गया था, इसी सड़क पे चल के अमीर सिंध तालपुर या कलोड़े जो दरिया सिंध के बंदरगाह गिद्दू वहाँ जाते थे, फिर वो जहाज़ में बैठ के पूरे सिंध का सफ़र होता था। अच्छा, अंग्रेज़ों ने तालपुर हुक्मरानों को तख्त से उतार दिया, फिर कुछ तालपुरों को कैद करके कलकत्ता भेज दिया जो हुक्मरान थे। कलकत्ता से आने के बाद उन तालपुरों की औलाद हुसैनाबाद में आबाद हुई, यानी हुसैन बख्श हुसैन खान तालपुर के नाम पर ही है। अच्छा, तो इधर तालपुर जो रूलिंग क्लास तालपुर था, उनकी औलादें आज तक नदियोंबाद में पर्चा यानी हुसैनाबाद में रहती। अच्छा, ये हुसैनाबाद के जो तालपुर हैं उनको दरिया वाले तालपुर कहा जाता है। अच्छा, वो दरिया के बिल्कुल कप यानी किनारे के साथ आबाद है। हैदराबाद शहर की एक पहचान ये सर कोवासदीन मेंटल हॉस्पिटल भी है, जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है। ये थर की सकाफत का की मंजरकशी की गई है, और ये इनको चौरों कहा जाता है। ये तो पक्की मिट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन ये जो थर में बनाए जाते हैं वो कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं, और लेकिन उनकी ऊपर की जो शक्ल होती है, जो शबाहत है, वो बिल्कुल यही होती है। थर जाना आपके लिए मुश्किल है, वहाँ की सकाफत देखना चाहते हैं और वहाँ की कल्चर से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं, और वहाँ नहीं जा सकते तो आप हैदराबाद के इस म्यूज़ियम में आके उस सकाफत को अपनी आँखों से देख सकते हैं।
ये सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद में ही एक दुकान है जिसमें सिंध की सकाफत से मुतालिक बेशतर अशिया यहाँ पे फ़रोख्त के लिए पेश की गई हैं, और इसमें वो शौकीन हजरात जो सिंध की सकाफत को अपनाना चाहते हैं, सिंध की सकाफत से कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ की चीज़ों को ख़रीद के अपने घरों को सजा भी सकते हैं, दोस्त अहबाब को इसकी तोहफे में पेश कर सकते हैं। ये मुख्य हाउस पे खड़े हैं हैदराबाद का, यानी कि ये बड़ा कदीम इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है मुख्य हाउस हैदराबाद, पक्के किले की चाड़ी पर है। जब कभी आप हैदराबाद आएँ तो इस मुख्य हाउस में म्यूज़ियम भी है, इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी हाँ, ये मुख्य हाउस जो इमारत है, ये 1920 में मुखी जेथन नंद, जो मुखी गोविंद राम, दो भाई होते थे, उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए एक आलीशान बिल्डिंग बनाने का इरादा किया 1920 में, जो के जो है इटालियन आर्किटेक्टर आए, उन्होंने डिज़ाइन किया और उन्होंने ये बिल्डिंग तामीर की। 1920 से 1923 तक इसकी तामीर होती रही, उसके बाद वो लोग इसमें रिहाइश पजीर रहे। पाकिस्तान बनने के बाद 1954 में वो फैमिली यहाँ से चंद वजूहात की बिना पर घर छोड़ के चली गई, और एज इट इज़ ये इस पर जो है सिंध अपना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने ऑफिसेज़ खोल लिए, सेटलमेंट का ऑफिस इधर खुल गया, दो सरकारी स्कूल, गर्ल्स स्कूल इधर खुले। तो 1954 से लेकर 2008 तक ये सरकारी तहवील में रही। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ में हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर कलीमुल्ला लाशारी साहब ने जो है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मदद से इसको खाली करवाया और उसमें दोबारा से इसके रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। तो जो ये फैमिली थी इस वक्त USA में है। 2008 में जो है वो उनकी बेटी धर्ममुखी जिंदा थी, उन्होंने जो है कुछ तस्वीर दी, उनकी मदद से इसको दोबारा एज इट इज़ उसी हालत में किया। वो 2013 में वो फैमिली के मेंबर इधर आए और इस बिल्डिंग की रीयूनियन हुई, जो कि बहुत खुश हुए अपनी इस बिल्डिंग को देखकर कि जो है हम यहाँ रहते थे और इस बिल्डिंग दोबारा आज उसी हाल में है, तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद। तकरीबन 100 साल पुरानी ये सेट है ये, और जिसको इन्होंने रेनोवेट करके यहाँ पर लगाया है। और सबसे दिलचस्प चीज़ जो इसमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि इस टेबल के ऊपर इन्होंने 1947 के अखबार की कटिंग से इसको आरास्ता किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्राइडे अगस्त 15, 1947, 29 December 1930। वाह, कितनी दिलचस्प बात है ये है कि ये दरो दीवार, ये दरवाजे, ये शीशे, ये 100 साल से ज़ायद पुराने हैं ये, और इनको इसी हालत में महफूज कर लिया गया है। ये पक्का किले के अंदरूनी मनाज़िर हैं, और ये सामने कदम का मौला अली है, और ये बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई सड़क है, लेकिन ये किले के अंदर की अंदरूनी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, और ये तस्वीर नहीं किया जा सकता कि हम किले के अंदर चल रहे हैं। यह हैदराबाद का मशहूर व मारूफ कला ग्राउंड है, जो अपने सियासी हवाले से खासा मशहूर है। ये सामने जो नज़र आ रही हैं ये पानी की ये टंकियां हैं, और किसी ज़माने में हैदराबाद शहर को पानी यहां से सप्लाई किया जाता था।
ये जिसको पियाओ कहते हैं, जानवर वगैरह इसमें पानी पीते थे। हैदराबाद में ऐसे वाटर क्रॉच या पियाओ पानी के शहर में जा बजा था। हैदराबाद अपने मुख्तलिफ हवालों से मशहूर है। हैदराबाद की चूड़ियाँ, हैदराबाद का बॉम्बे का केक और हैदराबाद की हाजी की रबड़ी। तो ये है हाजी की रबड़ी। रबड़ी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रबड़ी खानी है, रबड़ी यहाँ की बड़ी मशहूर है। आज हम आए हैं रबड़ी खाने। ये हाजी रबड़ी है, ये रिवाड़ी से आए थे, रिवाड़ी नियर टू दिल्ली, नाउ इन हरियाणा। रिवाड़ी के बड़ी मिठाई बेचने वाले आपको मिलेंगे कराची। ये है हाजी की रबड़ी। जो शाही बाज़ार का आगाज़ हुआ है ये, और ये शाही बाज़ार यहाँ जो शुरू होता है ये हैदराबाद टावर तक जाता है। और इसके दरमियान में हम बाएं हाथ पे जो ख़वातीन से मुतालिक सामान की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो रेशम गली कहलाती है। फ़कीर का पेड़ हैदराबाद, रेशम गली। हमने अपने इस हैदराबाद के वॉक टूर का आगाज़ किया था किले की चढ़ाई से, और किले की चढ़ाई से लेके हमने किला पूरा विजिट किया है। और किले के विज़िट करने के बाद हम दाखिल हुए हैं शाही बाज़ार में, और शाही बाज़ार से रेशम गली, फ़कीर का पेड़, और इस तरह से हम निकले हैं यहाँ पे स्टेशन रोड हैदराबाद पे। ये हैदराबाद की कदीम दरसगाह बोल रहा है, हीरानंद एकेडमी में हम खड़े हैं, जिसको गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। हम स्कूल गोल बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वाक़ है ये, और हैदराबाद शहर के इंतहाई कदीम तालीमी इदारों में इसका शुमार होता है। और ख़ासी वसी और अरीस रकबे पे फैली है इसकी ये इमारत है। हैदराबाद शहर का इंतहाई कदीम इलाका जो मार्केट टावर कहलाता है, और यहाँ पे जिस किस्म का बाज़ार है वो ज़्यादातर होलसेल मार्केट हैं। यहाँ पे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी मार्केट है, मसाले जात की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और अनाज यानी कि दालें, चावल, इस किस्म की एक बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है। अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद शहर को, हैदराबाद के पुराने इलाकों को अच्छी तरह से जान सकें, तो आपको ये हैदराबाद का ये इलाका जिसे मार्केट टावर कहा जाता है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको वो तमाम अशिया मिल सकती हैं कि जो एक आम ज़िंदगी के आपको ज़रूरत पड़ती है, जो एक आम लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, जो हर घर की ज़रूरत होती है। ये नॉन राय मार्केट टावर पर हम खड़े हैं, जो 1911 में जिसकी बुनियाद रखी गई, 1915 में कंप्लीट हुआ, 1991 में इसकी दोबारा तज़ीन आराइश हुई, और आज ये सालों में मौजूद है।
सुबह 7 बजे कराची शहर से जो हमने टूर शुरू किया था हैदराबाद के लिए, वो बिलाखिर अब तमाम होने वाला है। और हमने हैदराबाद के बेशतर इलाकों को कोशिश की है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, और ये सारा टूर हमने पैदल चल के किया है, बहुत इन्जॉय किया है, इस गर्मी को बहुत इन्जॉय किया है। और अब हमारा एक सेगमेंट बाकी रह गया है मीर के मकबरों का दौरा, अब उसके बाद फिर इंशाल्लाह कराची के लिए रवाना होंगे। ये हैं मीर तालपुर ख़ानदान के मकबरे। ये दौर जो है 1787 यानी कि 1787 से 1843 ये तकरीबन 60 साल का अरसा है। इन 60 साल के अरसे में जो तालपुर हुक्मरान आए हैं तो ये उन्हीं के कबूर हैं, ये उन्हीं के मकबरे हैं ये। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम यहाँ पर आए हैं, ये सब बंद हैं, चौकीदार जो है कहीं जा गया हुआ है। ये कैसे टूरिज़्म, सिंध में टूरिज़्म किस तरह से पनप सकती है, ये एक सवाल है और इसका जवाब तलाश ज़रूर करना चाहिए मुतालिक महकमे को। ये बहुत सारी कबूर हैं यहाँ पे जिनके मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन कौन से ख़ानदान यहाँ पर मदफून हैं, लेकिन ख़याल यही है कि इनमें ज़्यादातर कल्होड़ा ख़ानदान के कबूर हैं। ये ग़ुलाम शाह कल्होड़ा इनका मज़ार है ये, और यहाँ पे इस मज़ार पे मन्नत मुरादों के हवाले से भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद अक्सर बेशतर यहाँ पे नज़र आती है। ये आज का हमारा ट्रिप हैदराबाद का तकरीबन तमाम हो चुका है। क्या क्या कहते हैं, हैदराबाद शायद हम एक दिन में कवर नहीं कर सकें, हमने आज एक शुरुआत की है, दिस इज़ अ बिगनिंग। और अगर हम जानना चाहेंगे हैदराबाद के बारे में तो मुझे लगता है कि हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। चलिए, रेनोवेशन का काम चल रहा था। ज़रा आप क्या कहोगे, मकामात जितने भी हैं यहाँ के वो खुले हों, गाइड्स अवेलेबल हों, ठीक है, और ये कि कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ बंदा रेडी हो, कि ऐसा नहीं हो कि हमें हर जगह पे जगह खुलवानी पड़े, गाइड ढूंढना पड़े, लेबल्स नहीं हो, एक सेल्फ एक्सप्लोरेटरी का टाइम नहीं हो, वो स्पेस नहीं में हो, इनक्रोचमेंट। तो इस मामले में सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है, गुजारिश है, एक इल्तिजा है कि इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारी सकाफत है, अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन्स भी नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशगवार, बहुत मज़ा आया, पर आई स्टिल फील है कभी बहुत बहुत कुछ है देखने को, महसूस करने को, एक्सप्लोर करने को, तो मेरे ख्याल से आना जाना लगा रहेगा। यूँ आज का ये हैदराबाद का ट्रिप अपने इख्तिताम को पहुंचा, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, इट इज़ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।